नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी ये तकरीबन तय हो गया है, लेकिन इस फैसले के बाद भी, ये तय होने के बाद भी कि बिहार में जाति आधारित जनगणना होने जा रही है, बीजेपी की सहमति होने के बाद भी जेडीयू और बीजेपी का जो टकराव है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इस बात के पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना बिहार में जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती दरकने का कारण बनेगा या जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती में खटास बढ़ाएगा जाति आधारित जनगणना। ये आसार क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी लंबे वक्त से ये मांग करती रही है, जिस तरह से जेडीयू जाति आधारित जनगणना की बात कर रही है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बात होनी चाहिए। बल्कि बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तो यहां तक कहा था कि जाति आधारित जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। अब इस पर लेकर जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण जागरूकता से होगा, लेकिन जब यह तय हो गया है, बिहार में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है कि जाति आधारित जनगणना बिहार में होगी और कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, तो एक बार फिर बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान आया है और नीरज कुमार बबलू ने एक बार फिर यह कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बात होनी चाहिए। जिस तरीके से जनसंख्या का विस्फोट हुआ है बिहार में, उसको रोकने पर भी अमल किया जाना चाहिए, उसको रोकने पर भी बात की जानी चाहिए। तमाम तरह की बातें कही हैं नीरज कुमार बबलू, जो बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो सुनिए नीरज कुमार बबलू जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कह रहे हैं। ये भी चाहते हैं इसी के साथ साथ कि जिस तरह से जातीय जनगणना कराया जा रहा है, अब इसको निश्चित रूप से जनसंख्या विस्फोट जो बिहार में हुआ है उस पे भी कानून आना चाहिए और बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, ताकि जो विस्फोट हुआ है जनसंख्या ये कंट्रोल हो। क्योंकि हम लोग विकास के गति को तेजी से अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है कि जैसे सिंगल रोड बनाते थे, डबल रोड बनाते थे, फोर लेन बना रहे, सिक्स लेन बना रहे, लेकिन भीड़ नहीं घट रही है। इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है कि हमको विकास का काम समझ में नहीं आता है। सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन हर जगह भीड़ है। तो जमीनें हमारे पास कम है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो अंतिम ये होगी कि मारामारी की स्थिति रहेगी जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा। इसलिए बिहार में आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण कानून बने ताकि विकास दिखे और लोग सुखी संपन्न से शांति से रह सके।